लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली हार के बाद बीजेपी राष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सामूहिक नेतृत्व की रणनीति अपना रही है। पार्टी की राज्य नेतृत्व ने एक चुनाव प्रबंधन समिति को फिर से जीवंत किया है, जिसमें चार नेता मुख्य जिम्मेदारियों को संभालेंगे। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानके चुनाव प्रबंधन का नेतृत्व करेंगे। अगले हफ्ते चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की जाएगी, जिसमें 20 स्टार प्रचारक शामिल होंगे। राव साहिब दानवे को मुख्य समन्वयक बनाया जाएगा, जबकि नितिन गडकरी मुख्य चेहरा होंगे, जो विपक्ष द्वारा बनाए गए कथानक का मुकाबला करेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नितिन गडकरी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो महाराष्ट्र और नागपुर का राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिनिधित्व करते हैं। वह हमेशा हमारी कोर टीम और राज्य मामलों की निगरानी करने वाले संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे हैं। गडकरी को महाराष्ट्र की जनता से बहुत प्यार है और उन्होंने हमेशा राज्य में अपनी काबिलियत साबित की है। उन्हें चुनाव अभियान समिति में शामिल करना कोई नई बात नहीं है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के विवेक ठाकरे के खिलाफ लगभग 25 रैलियां की थी। उन्होंने लगातार तीसरी बार अपनी सीट 1,37,000 वोटों के अंतर से जीती थी।